हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉम्स गॉसिप। तो आज मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, ऑफिस से निकलने वाली हूँ मैं देहरादून, और मैं मेरी स्माइल से ही पता लग रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि आज मैं मिलने वाली हूँ पूरे एक हफ्ते बाद अपने बेटे से। फटाफट से ऑफिस पहुँचती हूँ, काम खत्म करती हूँ और उसके बाद निकलती हूँ देहरादून। तो मैं निकल गई हूँ उत्तराखंड के लिए, अपने घर के लिए, और अभी फ़िलहाल मैं नोएडा 62 के या आगे को एक अंडर पास है, यहाँ पर आई मेरी बस, यहाँ से मैं पिक करूँगी, मतलब मेरी बस मुझे यहाँ से पिक करेगी। और मुझे रास्ता ही पता नहीं लग रहा था, कोई मुझे कुछ बता रहा था, कोई मुझे कुछ बता रहा था, लेकिन फाइनली मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पर। मैं बस का वेट कर रही हूँ, देखते हैं कितनी देर में बस आती है, उसके बाद मैं जाऊँगी अपने बेटे के पास देहरादून। इंदिरापुरम और आनंद विहार जहाँ लिखा है उसके फुट ओवर ब्रिज में, और यहाँ से आनी मेरी बस। आ गई है मेरी राज कचौड़ी, और मैं यहाँ पर दुकानों में हूँ, यहाँ पे बस रुकी है इसलिए हम खाना खा रहे हैं यहाँ पर। पहुंच गई हूँ रिस्तरा पुल, और ये आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। और वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने कीचड़ में पैर रख दिया, तो व्यू बोल रहा था मम्मा कब आ रहे हो आप, हम आपको लेने आ रहे हैं। मैंने कहा बेटा बस मैं आ रही हूँ, आप आ जाओ। तो बस उसका वेट कर रहे हैं, देखते हैं कि देर में आते हैं लोग, और उसके बाद हम जाएंगे घर। तो ये आ गए हैं व्यू और व्यू के पापा मेरे को लेने के लिए। चलो मेरा बच्चा, मम्मा को हग्गी नहीं करी, हग्गी करो मेरा बच्चा। मम्मा की याद आ रही थी, आ रही थी। मम्मा आप कब आओगे, जल्दी आओ ना, मुझे याद आ रही है आपकी, बोला था ना। मम्मा सीट बेल्ट पहन ले बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मम्मा को क्या बोलते हैं सुबह सुबह? राधे राधे मम्मा। राधे राधे बेबी। जय श्री राम। तो हम देहरादून में हैं, मतलब ये तो देहरादून में ही था, मम्मा देहरादून आ गई है। और कल मैं रात को मतलब खाना खाया फटाफट, और उसके बाद सोने चले गए क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो अभी आपसे सुबह मिल रहे हैं हम, है ना बेबी? तो आज मम्मा व्यू के साथ टाइम स्पेंड करेगी, उसको इधर उधर लेके जाएगी, है ना, है ना। तो व्यू शरारते तो नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करूँगा। बिल्कुल नहीं करेगा, और करा अगर तो पिट्टूएगी। किसकी? मेरी। ब्रेकफास्ट करने चले? क्या खाए? पिज्जा मोमोज समोसा। क्या खाए? पिज्जा मोमोज नहीं, सैंडविच खा लो। ओह दादी अंदर से बोल रही है। बोलो थोड़ी देर में मिलेंगे सबसे। थोड़ी देर में नहीं, अभी। थोड़ी देर में। अभी। थोड़ी देर में। अभी। नो। अभी। मामा बाय। बाय बाय बाय।
तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और वैसे मुझे ले जाना भी को भी था, बट माँ उसे पढ़ा रही है तो माने से बोला, मतलब माँ ने बोला कि अभी उसे पढ़ने दे, शाम को कहीं लेके जाना, तो इसलिए अभी वो घर पर है, वो पढ़ाई कर रहा है और मैं उसके लिए कुछ कपड़े लेने जा रही हूँ क्योंकि उसके पास कुछ फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स नहीं है, कम है, तो मैं वो लेने जा रही हूँ और उसके बाद मैं दिन में घर पर आऊँगी और उसके बाद शाम को उसको कहीं लेकर जाऊँगी। तो देखते हैं कहाँ लेकर जाती हूँ, कुछ अभी प्लान किया नहीं है, तो फटाफट मैं निकलती हूँ। मार्केट में मेरे साथ मानसी जाने वाली है, मानसी मिलने वाली है, तो वो निकल चुकी है घर से और मैं भी बिना देरी करे निकलती हूँ वरना बहुत डांट पड़ने वाली है। हेलो बहन, कैसी है? बढ़िया। आज तो सज के आ रखी है, लाइनर खुद लगाया है? वेरी गुड। आज मैं लगा लेती यार, गुड, अच्छी लग रही है। चल बहन, एक हफ्ता मेरी याद आई, मिलने तो तू आती नहीं, तो याद ही क्या आएगी तेरे को मेरी ना? तेरा बकवास कर रही, आई नहीं मैं, ताने मारते हैं तब जाके आती है। तेरे तो तू ही तो मेरी सास हो रही है ना, तो तेरे तानों पे आऊंगी। और क्या, आ गए हैं और मार्केट का वीडियो हम लोग नहीं बना पाए क्योंकि बहुत रश भी था और साथ में धूप भी थी, तो इसके बाद फुल स्लीव की टी शर्ट। क्या खाया भी उन्हें, अभी सबको बताओ क्या खाया। चॉकलेट आइसक्रीम। आइए मैं इसके लिए लोअर लेकर आई हूँ, आइए मैं इसके लिए टी शर्ट। बेटा नहीं, टी शर्ट खराब करेगा यार, देखो इसके साथ तो ना, बताओ शाम को नहीं जाना ना घूमने, जाना है जरा, फिर वहां देख के अच्छे से बिहेव करो, बिहेव प्रॉपरली। देखो ना सबको, अच्छा अच्छा ओके, आपको मम्मा ने जो स्टोरी सुनाई थी वो सुनाओ सबको जरा। क्या स्टोरी सुनाई थी? कौन सी स्टोरी? एक स्टोरी नहीं सुनाई थी मम्मा ने आपको? ये इसके फुल स्लीव्स की टी शर्ट लेकर आई हूँ, हाफ स्लीव्स की, इसके बाद बहुत सारी थी, फुल स्लीव्स की डिजाइन अच्छी नहीं लग रहे थे मुझे, तो अब जब दिल्ली में जाऊंगी वापस और जब मेरी छुट्टी होगी तो मैं इसके लिए ले लूंगी, शाम को लेके जाएंगे व्यू को घुमाने, क्योंकि व्यू अभी पढ़ाई कर रहा था। दिब्बू, दिब्बू, दिब्बू। अभी के लिए बाय बोलो, चलो अभी के लिए बाय बोलो, बाय। चले चले आओ, नमस्कार 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 नमस्कार। तो अभी हम लोग किससे मिलेंगे? देव मामी और नुपुर मौसी और एक और नाम बताया था ना मम्मा ने, भूल गया, जमुना मौसी। जमुना मौसी से मिलने के बाद हम व्यू को कहीं लेकर जाएंगे, ऐसी चिच्ची से दिलाने है ना, किन्ना जाए घंटा, किन्ना जाए घंटा करूंगा मैं। और स्मूटी, मैंगो स्मूटी, टॉफी स्मूटी, मुझे वो पीना है, दोनों दोनों पीना है, ठीक है। और चिप्स देव मामू, रुक जा रुक जा रुक जा, गाड़ियां आती हैं, मामू आ रहे हैं, आएंगे इधर आएंगे, खड़ी कर देना वहां गाड़ी साइड, बोलो कहाँ है मामा, हम तो यहाँ खड़े हैं, अब तो जीते रहे, पैर छू रहा तो दीदी के है, दीदी पैर छूंगा, गुड गुड। सीख सीख के कैसे हो? ठीक हो, कैसे मुझे आपकी गाड़ी में बैठना, रुक जा रुक जा, आपकी गाड़ी में बैठना। स्टार्ट। हेलो, कैसे हो? आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, देखा बोला था ना आते ही मिलूंगी। बंद करो ना। नहीं बंद कर, एक्सप्रेशन हो गया, हो गया वही तो। पूछ क्या खाएगा ये, जल्दी बता दो क्या खाएगा, इधर इधर आ, इस पे बताता हूं, चलो बताओ। जल्दी बताओ बेटा, चलो बताओ।
पॉपकॉर्न हाँ पॉपकॉर्न चिप्स नहीं होता है, पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न होता है, ले लो खाना। आ जाओ चलो चलो वहाँ कहाँ जा देख रहे हो, चलो बैठो चलो 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 आओ बैठो, जब मामा के साथ बैठ जा। मामू जलाएंगे कितना अच्छा है भोटिया। ये मामू और भांजा खेल रहे हैं पुलिस चोर और देख रहे हैं कि ढूंढने की जगह, छुपने की जगह कहां पर ढूंढेंगे। हाथ झाड़ दे इसके पहले हाथ। देख क्या है चल आंख बंद कर, आंख बंद कर। चिल्ला के मत खेलो, चिल्ला के नहीं खेलते। आ गया है व्यू, पिज्जा खाएगा है ना। हैप्पी बर्थडे कट पिज्जा, तू ही काट रहा है ना। बोले बर्थडे मामू, इसे खुद का गाना बना रखा है ये। थैंक यू, आप बोलो थैंक यू। बेबी व्यू बेबी कल स्कूल जाएगा ना। हाँ नमक कैसे लिखते हैं बोलो ना। क्यों डरना है, तो क्या हुआ आप स्पेलिंग लर्न करो। बोलो का कमल, बोलो कमल का मा मा ला ला कमल कमल। वेरी गुड। अच्छा व्यू ये तो बताओ कल स्कूल जाओगे ना। बिल्कुल जाऊंगा। जाओगे ना, अच्छे से पढ़ाई करोगे ना। फिर मम्मा बाद में आएगी और मम्मा से वीडियो कॉल करना। ओके बस वॉच तो नहीं लाऊंगी आपके लिए, एक लेकर आई थी आपने खराब कर दी। वॉच अच्छा अच्छा चीजी वाली ठीक है। ओके डन। हाँ अभी ठीक। अरे बाप रे, अरे बाप रे वेरी गुड वेरी गुड बेबी। बाय बेबी मैं बच्चा, मेरा बच्चा बाय। यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए, उनका हृदय करुणा से भर गया। अभी 3:30 बज रहे हैं और मैं पहुंच गई हूँ ISBT देहरादून। बस देख लेती हूँ कहाँ पर खड़ी है। यहाँ पर उतरी हूँ, आगे फुटओवर ब्रिज है, उससे पहले ही उन्होंने उतार दी क्योंकि वहाँ से क्रॉस करने में दिक्कत होती है, यहाँ बीच में उन्होंने छोड़ा है। अभी आगे चल रहे हैं।
और मैं 8 बजे पहुंच गई हूँ, 8 बजे पहले। तो मैं पहुंच गई हूँ और सुबह ऐसे ही उठ के आ गई थी, मैंने फ़ेस वॉश किया ऐसे ही आ गई। अब मैं ऊपर जाती हूँ थोड़ा, फिर से फ़ेस वॉश करके लिपस्टिक विपस्टिक लगा के ऑफिस जाती हूँ। और मैं निकली थी वहाँ से 4 बजे, 4-5 पे बस निकली थी घर से, तो हम 3:15 बजे निकल गए थे, लेकिन 4-5 पे बस निकली थी और ठीक 8 बजे उन्होंने सेक्टर 62 में उतार दिया था। फिर वहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है ऑफिस के लिए, फिर यहाँ पर आए हम और अभी मैं बैठी हुई हूँ और 8:15 बजे मैं ऑफिस के नीचे पहुँच गई हूँ। और अभी देखती हूँ 9 बजे तक मैं फिर ऊपर जाऊँगी ऑफिस और उसके बाद वही बैक टू वर्क। इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। था इसमें कुछ था नहीं, बट फिर भी कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अब मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।